नमस्कार दोस्तों, पूजा डिजाइंस एंड स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं इस स्लीव डिजाइन का वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए, मैंने स्ट्रिप्स का यूज करके और ये गोटा यहाँ पे मैंने लगाया और एक ये लेस का यूज करके इसको बनाया। ये बैक साइड से इस तरीके से और बीच में समीस में एक होल करके और उस पर डिजाइन क्रिएट करके फिर हम इसको बनाएंगे। तो मैंने इसको पूरे वीडियो में सरल तरीके से बताया कि किस तरीके से डिजाइन हमें बनानी है। इसी तरह के सुंदर सुंदर डिजाइंस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये देखिए नॉर्मल स्लीव होती है, मैंने कटिंग कर ली है स्लीव की और ये इसका लाइनिंग है और ये इसका मेन फैब्रिक है। सिंपल जिस तरीके से हम कटिंग करते हैं वो मैंने कर लिए। अब हमें क्या करना है ये देखिए, मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ डिजाइन का। ये हमने सेंटर पे से इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिए, बिल्कुल बराबर से ये हमारी फोल्ड हो जाएगी। और अब हमें क्या करना है, सेंटर से अब ये हमारी डबल फोल्ड है। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने 1.5 इंच इसको यहाँ से निशान लगाया, 1.5 इंच पर, 1.5 इंच पर हम निशान लगा के ये देखिए। और ऊपर से हमें जहाँ से हमारे आर्म होल में ये जॉइंट होगी वहाँ से मैंने इसको 1 इंच, ये देखिए 1 इंच मैंने ऊपर से छोड़ दिया है और 1 इंच हमने इसको नीचे से छोड़ दिया है। अब क्या करना है, इसका इस तरीके से एक ये ब्लॉक बना लेंगे। और अब क्या करना है हमें, ये देखिए, ये जितनी भी ये टोटल हमारी लंबाई है 3.5 इंच, तो 3.5 इंच को इस तरीके से इसको इन स्टेप को पकड़ के आप यहाँ से इसको हाफ कर लें और इसको बीच में मैं इसमें निशान लगा दूंगी। ये हमारा बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल बीचों बीच ये हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, इससे इसको मिला देना है, ये देखिए, और इससे मैं इसको यहाँ पर ऐसे मिला दूंगी तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ये देखिए ऐसे, और हम इसको इस पर ही इस ब्लॉक पर कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, या इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ये देखिए। ऐसे इसको थपथपा के ये हमारा दोनों साइड में ही उभर जाएगा, ये देखिए। और फिर इस पर निशान बना लेंगे हम ऐसे और इस तरीके से। अब क्या करना है, स्लीव लेनी है हमें, और स्लीव को इस पर उल्टा रखना है। ये देखिए, मैंने इसको उल्टा रख दिया है। और मेन फैब्रिक को मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही काटा हुआ है, जब हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इसको पूरा फिनिशिंग के साथ काट दूंगी। ये देखिए, ये हमने इस तरीके से किया हुआ है। और ये जो मैं स्लीव है ये मेरी उल्टी साइड है। और सब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पर पिन लगा दूंगी ताकि डिजाइन हमारी इधर उधर ना हो, वो बिल्कुल सेंटर में ही हमारा रहे। ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने लगा दिया है। आप चाहो तो इसको अस्तर को मैं ये कटिंग करके फिर इस पर स्टिच लगा सकते हो, बट मैंने इस तरीके से किया है, इससे ज़्यादा फिनिशिंग आती है। और यहाँ जो हमारी मार्किंग थी उसको पर मैं सिलाई कर लूँगी। ये देखिए, ये मैंने इस पर स्टिच लगा लिए जहाँ हमने मार्किंग करी थी। अब ये धागों को हम काट देंगे।
और ये पिन को मैं निकाल लेती हूँ। बहुत आसान और बहुत सुंदर ये डिजाइन है। अब देखिए हम इसको कटिंग कर लेंगे इस तरीके से, बीच में कट लगा के। ये देखिए ये हमारा कट गया। अब कॉर्नर हम यहाँ से कट्स लगा लेंगे कॉर्नर पर, बस इस बात का ध्यान रखें सिलाई ना कटे। देखिए अब हमें इसको पलट लेना है। ये देखिए ये एक्स्ट्रा दाग है, मैं इनको काट देती हूँ। और अब इसको हम इसमें से पलट लेंगे। देखिए इसे इसको पलट लिया है। और ये इस तरीके से ये हमारा डिजाइन बन गया है। अब मैं इस पर किनारे वाली सिलाई लगा लूंगी। देखिए और मैं अभी भी यहाँ पर एक दो पिन लगा के ही लूंगी, क्योंकि बिल्कुल मेरा शिफॉन का कपड़ा है साड़ी का बिल्कुल बारीक, तो ये क्या है कि इधर उधर हो जाता है। कॉटन का या सिल्क में तो कपड़ा मोटा होता है तो वो हमारा एडजस्ट हो जाता है। ये देखिए अब मैं इस पर किनारे की सिलाई लगा लूँगी। किनारे की सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखें कि नीचे का जो लाइनिंग ना दिखाई दे हमारा। यहाँ पर भी हम लगा लेंगे। हम इधर की साइड में ये देखिए अब मैं क्या करूँगी, पहले इसके चारों तरफ कच्चा टाँका लगा के और यहाँ पर यहाँ जो हमारी बाजू की गोलाई है मैं वहाँ पर इसको फोल्ड कर लेती हूँ नॉर्मल जिस तरीके से फोल्ड करते हैं, फिर मैं आगे आपको डिजाइन दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैंने इसको चारों तरफ से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको काट लिया और नीचे इसकी ये पट्टी मैंने लगा ली। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, ये देखिए मैंने कुछ तो इसकी मैचिंग के इस तरीके से, देखिए ये डबल फोल्ड में पट्टियाँ हैं, एक तो मैंने गोल्डन कलर की ली है और एक मैंने इसी का मैरून जो कलर है उसका लिया हुआ है। और ये कॉटन का एक पीस है जो मैं इनके नीचे लगाने वाली हूँ। तो ये देखिए इस तरीके की हम, मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे हमें ये बनानी है। तो ये देखिए लगभग आप इस तरीके से फोल्ड करके देख लें कि इतनी पट्टी हमारी ये फोल्ड हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग एक लंबी पट्टी काट लें। ये मैंने पट्टी काट ली है और इसको ये देखिए बीच में से ऐसे फोल्ड करके हमें बस बराबर से और इसमें सिलाई लगानी है। ये
इस तरह की पट्टियाँ मैंने काट ली है और इनको हम इस तरीके से एक के ऊपर एक को रख के और जॉइंट करेंगे। ये देखिए, एक बार मैरून कलर और एक बार मैं गोल्डन कलर लेके सिलाई हमारी इन पट्टियों के नीचे दब जानी चाहिए और फिर उसके ऊपर से हम इस तरीके से इनको जॉइंट करते हुए जाएंगे। कंट्रास्ट में पट्टियां लगाते हुए पूरी मैं जॉइंट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए ऐसे बना के और फिर हम इसको इस के नीचे एक बार रख के देखते हैं कि ये हमारा बिल्कुल नाप के आ रहा है या छोटा पड़ रहा है, तो हम इसमें और स्ट्रिप लगा सकते हैं। ये देखिए मैं इसको इस तरीके से इसमें एडजस्ट कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है यहाँ पर ये हमारी सिलाई दिख रही है और एक थोड़ा सा मुझे यहाँ पर एक स्ट्रिप और लगानी है, तो मैं एक छोटी सी यहाँ पर और लगा देती हूँ ताकि ये पूरा कवर हो जाएगा। ये देखिए अब क्या करना है, ये अस्तर का मैंने कपड़ा लिया हुआ है उसके ऊपर हम इसको इस तरीके से रख देंगे और इस पर रफली सिलाई लगा देंगे चारों तरफ एक बार, ताकि ये इस पर अटैच हो जाए और नीचे का पूरा हमारा अच्छे से कवर हो जाए। ये देखिए ऐसे ही हमारा बनके रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, स्लीव में जब हम दोनों स्लीव को जॉइंट करेंगे तो ये देखिए ये मेरी बनके रेडी है। तो इसमें क्या है, जैसे ये हमारा बॉटम है तो ये नीचे की साइड हमारी ये प्लेटें आ रही है, इस बात का ध्यान रखें जॉइंट करते वक्त। तो जैसे अब ये है तो हम इसको ऊपर की साइड इस तरीके से लगा देंगे, एक नीचे और एक ऊपर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, दोनों को एक साइड में ही जॉइंट करनी है, इस चीज़ का आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये देखिए हम मैं इसको इसी डायरेक्शन में रख के और इस पर इसको इस तरीके से रख दूँगी और बिल्कुल ये देखिए ये एकदम ये हमारी कोई भी स्ट्रिप बहुत ज़्यादा उसकी जो चौड़ाई है वो हमारी बड़ी ना दिखे, एकदम अच्छे से एडजस्ट करके ये देखिए। अब क्या करना है, हमें पिन लगा देनी है यहाँ पे ताकि एक जगह सेट रहे। ये देखिए अब ये हमारे पिन से एकदम रुक गया है। अब क्या करना है,
या तो आप इसके ऊपर एक बार मैं सिलाई लगा देती हूँ और फिर आपको आगे देखिए। बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगा के इसको एकदम अटैच करना है हमें। ये देखिए अब हमने इसमें ये सिलाई लगा ली। अब क्या करना है, अब हमें पिन हटा देनी है। ये देखिए अब हमारा जो भी ये एक्स्ट्रा है पीछे सब हम इसको निकाल देंगे। ये देखिए देखिए पूरा काटने के बाद हमारा ये यहाँ से पीछे इस तरीके से बचा हुआ है, सारा हमने एक्स्ट्रा निकाल दिया है और एक बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आया है। अब क्या करना है, मैंने एक गोटे की पतली सी लेस ली हुई है तो इसको मैं यहाँ पर अटैच करती हूँ। और फिर इसको इसके ऊपर यहाँ पर इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, ये अच्छे से इसमें कवर हो जाएगी और एक्स्ट्रा जो भी धागा निकल रहा है हम उसको काट देंगे। ये देखिए ये इस तरीके से ये डिजाइन हमारी बनी हुई है, कितनी सुंदर ये डिजाइन बनके तैयार हुई। अब हमें क्या करना है, मैंने इस लेस का यूज इसके ब्लाउज डिजाइन में किया हुआ है तो इस लेस को मैं इसके बॉटम पर इस तरीके से अटैच करूंगी। ये देखिए मैं यहाँ इसका जो बॉटम है वह मैं वहाँ से थोड़ा सा 1 इंच के लगभग छोड़ देती हूँ क्योंकि वो हमारा अंदर फोल्डिंग में जाएगा तो ये लेस क्या है कि जब पहनने में अनकंफर्ट होती है, चुभती है, इसलिए मैं इसको थोड़े से आगे से लगा रही हूँ। इधर भी मैं ऐसे ही करूँगी, थोड़ा सा पहले ही मैंने इसको काट लिया है।
देखिए ये लेस मैंने यहाँ पर लगा ली। इस तरीके से ये बाजू की डिजाइन हमारी बनकर कंप्लीट होती है। तो इसी तरह के सुंदर सुंदर डिजाइन देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।